मिनिस्ट्री देखा कि जहाँ सरकार को हाजिर रहना चाहिए था वहाँ कांग्रेस मदद कर रहा है, वो भी उनसे देखा नहीं जाता। मैं तो चाहता हूँ कि CWC श्रीनिवास जी को ही, अच्छे आदमी है, मदद कर रहे हैं, उनको अगला अध्यक्ष बनाए कांग्रेस पार्टी का, हम स्वागत करते। आज जिस प्रकार से बड़े दिनों बाद प्रधान सेवक टीवी पर आए और कहा कि हमारा अदृश्य शत्रु है, शत्रु तो अदृश्य है वो सब जानते हैं चित्रा जी, पर प्रधान सेवक भी अदृश्य थे ये भी देश ने जान लिया, पूरे देश ने देखा कि जहां सरकार को हाजिर रहना चाहिए था वहां कांग्रेस मदद कर रहा है, वो भी उनसे देखा नहीं जाता। ऑक्सीजन के लिए कल तक हम लड़ रहे थे, आज आप बताइए दिल्ली में ऑक्सीजन में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होने के कारण यही दिल्ली बोल रही है कि हमारे पास बहुत ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन अपने पास। चित्रा जी ये सारी मैनेजमेंट क्या लग रहा है आपको, कौन कर रहा है, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और श्रीनिवास जी की तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि CWC श्रीनिवास जी को ही, अच्छे आदमी है, मदद कर रहे हैं, उनको अगला अध्यक्ष बनाए कांग्रेस पार्टी का, हम स्वागत करते। 200 वेंटिलेटर जो है राजस्थान में इन्होंने कमरे में बंद करके रखा हुआ था, 200 वेंटिलेटर इन्होंने राजस्थान में किराए पे लगा दिया, किराए पे लगा दिया, पीएम केयर का वेंटिलेटर किराए पे लगा दिया इन्होंने। बिहार में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर गए वो धूल फांक रहे हैं, महीनों से रखे हुए हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है, ये रिपोर्ट खुद आज तक ने दिखाई है। ये सच्चाई है, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे 3-4 जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी, ट्रेन टेक्नीशियंस नहीं थे, इसलिए वेंटिलेटर चालू नहीं हो सके, ये सच्चाई है, मान रहे हैं हम इस बात को, और इसकी व्यवस्था भी की गई और अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि ये महामारी है चित्रा जी, अब इस महामारी का स्केल बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, और बिहार सरकार ने पूरी तत्परता और मेहनत से काम किए, उसी का प्रतिफल ये है कि लॉकडाउन लगाने के बाद पिछले 3 दिनों से हमारे संक्रमण रेट में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि हम 1,00,000 से ऊपर टेस्टिंग डेली कर रहे हैं जिसमें 60% RT-PCR है। आशुतोष वर्मा जी, पहले तो ढोल पीट पीट कर कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, अब अपना चरित्र बदलते हुए इस तरह की बात, ये समाजवादी पार्टी की किस बात पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करे? चित्रा जी, पहले तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं और आपके चैनल के माध्यम से साफ बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी वैक्सीन के ऊपर उंगली नहीं उठाई, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट की उंगली नहीं उठाई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोक के एक झूठी हवाई कर रही थी, उसकी पोल पूरी दुनिया देख रही है, अब मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरा स्टेट को एक्सपेक्टेशन को अगर आप देखें तो आज के दिन में भी कोई डबल डिजिट जो है रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा, डबल डिजिट में, ठीक है कोई 15%, 14%, 13% कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ डबल डिजिट में, एग्जैक्ट नंबर नहीं कह रहा हूँ। गौरव जी, जिस तरीके का इकोनॉमिक जार्गन यहाँ पर जफर इस्लाम समझा रहे हैं कि डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ बनी रहेगी, क्या आधार है इसका, क्या बेसिस है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी जो इस माह की जो 30 डेज मूविंग एवरेज है वो 8.7% पे पहुंच चुकी है, क्रेडिट ग्रोथ 5.3% पर है, ये मेरे को कह रहे हैं डबल डिजिट में हो जाएगी, कैसे हो जाएगी भाई, अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 72,00,000 लोग एक महीने में अपनी नौकरी खो रहे हैं, 3 करोड़ लोग मिडिल इनकम से लोअर इनकम में जा रहे हैं, 15% पॉवर्टी में इंक्रीज हुआ है, रूरल पॉवर्टी में 20% अर्बन पॉवर्टी में हुआ, आप कह रहे हो डबल डिजिट में तो इस समय सिर्फ पॉजिटिविटी रेट है देश में। बीजेपी के जारे जितने प्रवक्ता होते हैं वो सारे हाल के हाई फ्रीक्वेंसी डेटा साइट करते हैं जो अगले महीने कहीं गायब हो जाते हैं, और जो एक बहुत बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है एम्प्लॉयमेंट वाला, जो गौरव बल्लभ जी ने बिल्कुल सही बताया, वो उसकी कभी चर्चा नहीं होती, पिछले साल भर से आज तक एक बार एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, तो आप कम से कम, मैडम बिल्कुल सही सवाल उठा रही है। दूसरी बात, इस्लाम साहब हमको बता रहे हैं कि केसेस स्लो डाउन हो रहे हैं, स्लो डाउन इसलिए हो रहे हैं जनाबे आली कि आपने टेस्टिंग कम कर रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती की, स्टेट गवर्नमेंट ने गलती की, हमने गलती की, सब लोगों ने गलती की, जो 3-4 महीने के लिए वी जस्ट टुक इट लाइटली और सब जगह कंप्लेसेंट से, और सेकेंड वेव आ गया, अब आ गया है तो मतलब हमें आगे देखना है कि यहां से अब हम क्या करें। एक सजेशन नहीं आया अभी तक किसी से भी कि भाई हम आगे जाके क्या करें। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए एंड में और मिडिल जून तक अगर आपको लॉकडाउन करना है तो कर दीजिए, बिकॉज मॉनसून्स जो हैं वो जून में स्टार्ट होंगे, एग्रीकल्चर विल बी रिक्वायर्ड, एग्रीकल्चर विल मूव फॉरवर्ड, इकोनॉमी हैज लॉस्ट के अप्रैल के महीने के बाद जो ग्रोथ मैंने देखी थी, मई और जून में जितने कंपनियां हैं सब फोकस कर रहे हैं कि हम डाउन जाएंगे, उसके बाद जुलाई के होप, सबके होप हैं
कि हम वापस रास्ते पे आ जाएंगे। मैं हमेशा मानूंगा कि लाइवलीहुड से ज्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ है तो लाइवलीहुड है। तो इसीलिए कोई भी आज बिजनेसमैन, मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि आज मेरी फैक्ट्री चालू रहे और लोग मरे और मेरी ऑफिस चालू रहे लोग मरे, मैं कभी नहीं चाहूंगा ये। मैं कहता हूं अगर लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की, पूरे इंडिया के लॉकडाउन को कोई लॉजिक नहीं है, जहां केस ज्यादा है वहीं होने चाहिए, तो कॉमन सेंस है। पर अगर लोकल अथॉरिटी नक्की करे कि हमारा कंटेनमेंट जोन में है, हमको लॉकडाउन की जरूरत है, तो हमको लॉकडाउन कर ही देना चाहिए, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका अभी भी नंबर वन है। वहां सक्रिय केस भारत के मुकाबले लगभग पौने दो गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिका ने मास्क से मुक्ति का ऐलान कर दिया है। अमेरिका मास्क पहनने से छूट देने की ये रियायत दे सका है क्योंकि उसने अपनी 60% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दे दी है। जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है वो अब सामान्य जीवन जी सकते हैं। CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. 2020 में जिस अमेरिका में कोरोना की मार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी थी, वो अमेरिका अब टीका लगवा चुके लोगों के लिए मास्क से मुक्ति की घोषणा कर रहा है। The CDC is saying they have concluded that fully vaccinated people are at a very, very low risk of getting COVID-19. Therefore, if you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने मास्क से मुक्ति का ऐलान वैक्सीन के असर पर सामने आए आंकड़ों के दो हफ्ते बाद किया है।